Hello everyone, this video is dedicated to my late sister-in-law क्योंकि आज उनकी बरसी है तो आज मैं उन्हीं की दी हुई रेसिपी बनाने वाली हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगी. Let's start. Onion, this size 5 onions. इमली की चटनी जो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है. शुगर 4 टीस्पून, आधा चम्मच रेड चिली और थोड़ा सा रेड कलर अगर आप यूज करना चाहते हो तो भी है, नहीं तो ऐसे भी ये बन सकती है. और नमक स्वाद अनुसार 3 टीस्पून रिफाइंड ऑयल. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ऑनियन का रस निकाल लेंगे. हल्का सा, पूरा रस नहीं निकालना, हाथी से थोड़ा ज्यादा निकाल देना, नहीं तो ये टेस्टलेस बनते हैं. थोड़ा निकालना, थोड़ा इसमें अभी बाकी है. तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें प्याज जो ग्रेटर किया हुआ उसमें डालेंगे. तेल गर्म हो गया है, हम इसमें प्याज डालेंगे. लगभग 15 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए. तो अब जो पानी हमने निकाला था तब नहीं डाला क्योंकि तो कड़वा हो जाता, अब इसमें से थोड़ा सा पानी हमने इसमें डालना. ये वो भी प्याज वाला पानी जो हमने निकाला था पहले वो डालना, तकरीबन आधा डालना उसे, जैसे जितना निकाला उसे आधा पानी जो हमने इसमें डाल दिया. गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया. तो अब हम इसमें डालेंगे इमली, इमली का पल्प जो हमने निकाला हुआ. साथ में शुगर, कलर, रेड चिली, नमक स्वाद अनुसार. हमारी ऑनियन इमली चटनी बनके रेडी हो गई है. अब हम इसे सर्व करेंगे. गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया. चटनी बनके बिल्कुल तैयार है, खाना भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है. कैसी बनी? वाह, वेरी यम्मी.